गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग में। सो गाइस, आज हमारे बैच का है 22वां दिन और 22वें दिन की इवनिंग में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। 22वें दिन तीन चार दिन पहले से हमारे बर्डमैन ने जो है ठंड पकड़ ली है, छिक-छिक स्टार्ट हो चुकी है और CRD की जैसे सिम्टम्स दिखने लगे हैं। तो हम इस बार मेडिसिन उपयोग में ला रहे हैं एंड्रोफ्लॉक्स AZ नाम से जो मेडिसिन है, इसको हम 1 ग्राम 1 लीटर पर लगा रहे हैं। और इसमें देखिए 10% एंड्रोफ्लॉक्सिसिन है और एजिथ्रोमाइसिन भी 10% इसमें ऐड है। तो हमें अलग से एंड्रोफ्लॉक्सिसिन एंटीबायोटिक और एजिथ्रोमाइसिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का ये मिक्सचर है और ये थोड़ा उससे सस्ता भी है। इस बार हम इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं और रिजल्ट हम आप लोग को बताएंगे। और देखिए दोस्तों, फार्म के इस साइड पर हमने जो है पूरी गेहूँ की बुआई कर दी है, जो देखिए दूर दूर तक देखिए हमने गेहूँ लगा दिए। और ये गेहूं भी 1 महीने की हो चुकी है, पहला पानी लग चुका है, यूरिया सल्फ़र और जिंक हमने इसमें डाला है। फिलहाल गेहूं की कंडीशन बहुत अच्छी है, कहीं कहीं पे पानी की अधिकता होने के कारण गेहूं पीली पड़ी है थोड़े जगहों में, थोड़े टाइम बाद वो भी ठीक हो जाएगी। उसमें हमने अलग से सल्फ़र का उपयोग किया है। सो दोस्तों, देखिए फिनिशर फीड भी हमारा आ चुका है और देखिए लोडर अपना काम करता हुआ, लोडर पे हमने डाल देना है। और फिनिशर फीड ये देखिए, ये सारा हमने आज ही फिनिशर फीड की जो है गाड़ी मंगाई, स्पेशल क्वालिटी का है और 140 बैग हमने इस बार मंगाए हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद एक आध गाड़ी और आएगी, उसके बाद हमारा बर्ड बिकना स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, ये देखिए बर्ड इस कंडीशन में, बट थोड़ा एंटीबायोटिक कंटिन्यू एंटीबायोटिक लगाने से जो है स्ट्रेस में है। इसके बाद हम कुछ इम्यून बूस्टर इनको देंगे, एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म होने के बाद इम्यून बूस्टर कुछ हम इनको देंगे और बर्ड एकदम सही हो जाएगा। मोर्टालिटी फिलहाल 1% चली रही है, जब से छिक-छिक की समस्या आई तब से 1% मोर्टालिटी हमारी फार्म पर हो रही है। और ये देखिए फीडर भी और निप्पल भी हमने इनके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ICU वार्ड, आज हमने जो है थोड़ा लूज बच्चे जो है छटनी करके रख दिए। फिलहाल इस बार हमारे लूज बच्चे इसमें कम हैं और आशा करते हैं कि इससे ज़्यादा बड़े भी ना। और इनके लिए हमने अलग से जो है इकोलाई के कुछ बर्ड दिख रहे थे इसमें, इकोलाई की मेडिसिन और कफ सिरप हमने इसमें लगा दिया है। इसी के साथ दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलती है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग। बाय बाय।